वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री। जो हमारे वीडियो थे वो वीडियो आए थे हाइब्रिडाइजेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या होगी उस पर उसके बारे में बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी का क्या क्या मेन बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे और वेस्पर थ्योरी को समझाने के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो होगा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी। सारे बच्चे इसके लिए रेडी हो जाएं। वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था अगर हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंबाइन करके बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो मेडिकल में आईआईटी में जी में कम से कम एक सवाल पक्का आएगा। और जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी में कर रहे हैं जो बच्चे स्कूलिंग की तैयारी में हैं उनके लिए भी यह सवाल बड़ा मायने रखता है। तो तैयार होइए वेस्पर थ्योरी VSEPR वेस्पर थ्योरी। वेस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेस्पर में वी माने होता है वैलेंस, यस माने होता है सेल, ई माने होता है इलेक्ट्रॉन, पी माने होता है पेयर, आर माने होता है रिपल्सन। मतलब ऐसी थ्योरी जो वैलेंस सेल के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉनों के जो जोड़े हैं उनके बीच में रिपल्सन को बताती है उस थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी। अब इस वेस्पर थ्योरी का क्या फ़ायदा है क्या उपयोग है? तो आप जानते पहले से जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम के आगे पीछे बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के किनारे किनारे राउंड में केवल बॉन्ड पेयर होते हैं तो जो आकार आप जानते हैं वही आकार पहले से फॉलो रहता है। उसमें आकार उसका हो जाता है रेगुलर। ज्योमेट्री जो होती है वह क्या होती है? रेगुलर होती है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के किनारे किनारे लोन पेयर भी आ जाए माने बॉन्ड पेयर के साथ क्या आ जाए लोन पेयर भी आ जाए तो जो लोन पेयर होता है चूँकि उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है, जब कम रहती चूँकि ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है तो वह रिपल करता है। रिपल करता है जो आकार आपको ऑब्जर्व होना होता है जो आकार आप जो ज्योमेट्री पहले से आप एजम्स किए रहते हैं वह ज्योमेट्री ऑब्जर्व नहीं होती है। आकार बिगड़ जाता है डिस्टार्ट हो जाता है तब वह जो ज्योमेट्री होती है वह इरेगुलर हो जाती है। तो आकार क्यों बिगड़ता है? आकार बिगड़ने के बाद आकार कैसे डिस्टार्ट होता है उसको समझाने की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी आपको समझाया होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब ऐसी थ्योरी जो किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के किनारे किनारे रहने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन बताती है उसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं मिथेन का, मिथेन के एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं किसका? अमोनिया का। फिर एग्जाम्पल किसका लेते हैं हम? वाटर का। अब तीन मॉलिक्यूल को एग्जाम्पल ले करके वेस्पर थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं। अब मिथेन मॉलिक्यूल का आप ओपन कीजिए, ओपन करेंगे खोलेंगे तो बीच में कार्बन क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। कार्बन सेंट्रल एटम होगा। इस कार्बन के आगे पीछे चार बॉन्ड पेयर हैं माने चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जब बॉन्ड पेयर चार होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आकार इसका होगा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं अमोनिया को। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल करेंगे तो यह अपने आप को रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहेगा। मिनिमाइज करने के लिए जो आकार अख्तियार जो आकार लेता वह आकार हो जाता है टेट्राहेड्रल। इस आकार को पहली बार बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है लीबेल एंड वांट हाफ। ठीक, अब आते हैं अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन क्या किए? बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर है। तब इस अमोनिया में सेंट्रल कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन के जोड़े चार हैं लेकिन चार में एक लोन पेयर है, तीन क्या है? बॉन्ड पेयर है। अब एक लोन पेयर है तीन बॉन्ड पेयर है तो ऑर्बिटल भी चार होगा, यह भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा।
लेकिन इसका आकार टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन आकार टेट्राहेड्रल नहीं होता है, आकार बिगड़ जाता है, पिरामिडल शेप का हो जाता है और बाण एंगल जो होता है कम होके 109 से क्या हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल बाण एंगल 109, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 sp3 लेकिन इसका आकार हो गया है पिरामिडल और बाण एंगल कम हो गया है क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रिपल करता है। जब लोन पेयर रिपल करता है तो जो बाण पेयर होते हैं लोन पेयर के रिपल्सन से बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा झुक जाते हैं, जब झुक जाते हैं बाण एंगल की कमी हो जाती है, वह बाण एंगल कम होकर 107 हो जाता है। माने लोन पेयर की मौजूदगी से अमोनिया का आकार रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर हो जाता है, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसी बात को समझाने की जो थ्योरी आई है उसका नाम रखा जाता है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, अमोनिया है वाटर, वाटर में ऑक्सीजन क्या है सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और दो क्या है बॉन्ड पेयर, आप जानते पहले थे। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े 4 हैं, 4 में दो क्या है बॉन्ड पेयर और दो क्या है लोन पेयर। जब 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होगा, क्या होगा sp3 होगा, लेकिन इसका आकार हो जाता है अपोजिट वी लेटर, वी ऐसे रहता है अपोजिट वी टाइप का हो जाता है और बाण एंगल घट के 105 डिग्री हो जाता है। तीनों में इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तीनों में sp3 है लेकिन तीनों का आकार अलग अलग है। इसका आकार टेट्राहेड्रल बाण एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसका आकार पिरामिडल बाण एंगल 107, इसका आकार होगा अपोजिट वी लेटर का और इसका बाण एंगल होता 105। माने इसका आकार रेगुलर है, इसका आकार इरेगुलर है, इसका आकार और भी इरेगुलर है। इसमें 4 बाण पेयर, इसमें 3 बाण पेयर 1 लोन पेयर, इसमें 2 बाण पेयर 2 लोन पेयर। मतलब जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिपल्सन भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बाण एंगल कम होता जाता है। इन सारी बातों को समझाने की जो थ्योरी है उसका नाम रखा गया वेस्पर थ्योरी, माने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। माने यह थ्योरी बोलती है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में केवल बाण पेयर रहेगा तो आकार होगा रेगुलर, लेकिन जब बाण पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर चूंकि ज़्यादा ग्रेटर रिपल्सन पैदा करता है बाण पेयर झुक जाते हैं, बाण एंगल कम हो जाता है। इसी थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच होता है लोन पेयर के बीच, इसको नोट किया जाए। उसके बाद होता है लोन पेयर और बाण पेयर के बीच, उसके बाद होता है बाण पेयर के बीच। माने लोन पेयर हैव ग्रेटर रिपल्सन देन लोन पेयर बाण पेयर एंड लोन पेयर बाण पेयर हैव ग्रेटर रिपल्सन देन बाण पेयर। इन सारी बातों को समझाने की जो थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी है। तो मैंने 60 में बकायदा अच्छे से एग्जांपल देके समझाया मैंने कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है। अगर आप वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और इसके साथ अगर हाइब्रिडाइजेशन भी समझ जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के मिला करके ज्योमेट्री बाण एंगल डिस्टॉर्शन इरेगुलरिटी पर बहुत सारे सवाल आते हैं और यह सवाल आपके हाथ से मिस नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब करें तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा हम वीडियो फोकस करेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे कि अमोनिया में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा बाण एंगल होगा। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, फिर एक वीडियो आएगा कि वाटर में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा बाण एंगल होगा। इसी के साथ वेस्पर थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम बात करेंगे वैलेंस बाण थ्योरी के लिमिटेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपसे निवेदन है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखिए अधीरा क्लासेज को।